मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, मुझे कहा था सैफगुराई ने अपना ड्रामे के लिए पैसे इन्वेस्ट कर दो तो इसका मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। अब उससे पैसे मांगते हैं, वो पल्ला नहीं पकड़ा रहा ना। कभी कहता है मेरी बहन की डिलीवरी है, कभी कहता है मेरा मामे का बेटा कत्ल हो गया है। मेरे पास सारी उसके वॉइस मैसेज रिकॉर्ड है। 15 लाख है, 7.5 मेरा था और 7.5 मेरी बहन है, वो बेवा है। बस इस तरह की फिल्में चलाई जा रहा है। 25 साल की ये मेरी जमा पूंजी है और जो मेरे पैसे ले गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मैं हूं शेख बिलाल अहमद। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा सादिया शेख। नाज़रीन, सादिया शेख के साथ गुज़श्ता दिनों लाखों रुपए मालियत का फ्रॉड हुआ, किसने किया, वो कौन शख्स था, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सादिया, ये क्या मामला पेश आया? कुछ नहीं, मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, मुझे कहा था सैफगुराई ने कि अपना ड्रामे के लिए पैसे इन्वेस्ट कर दो तो इसका मैं आपको प्रॉफिट दूंगा, जितने भी आएंगे ड्रामे में पैसे उसमें से आपको हिस्सेदार बनाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे घर का किराया निकल जाएगा। तो लेकिन अब उससे पैसे मांगते हैं, वो पल्ला नहीं पकड़ा रहा ना। वो अब क्या कहता है आपको? कुछ भी नहीं, कभी कहता है कि मैं 2 दिन ठहर जाओ, मुझे 4 दिन दे दो। कभी कहता है मेरी बहन की डिलीवरी है, कभी कहता है मेरा मामे का बेटा कत्ल हो गया है। कभी कोई उसकी हर चौथे दिन, पांचवें दिन, ये 6 महीने से मेरे पास सारी उसके वॉइस मैसेज रिकॉर्ड हैं जो उसने मुझे दिए हैं। जब मैं पैसे मांगती हूँ तो वो मुझे वॉइस मैसेज करता है। उसने मेरा फ़ोन भी ब्लॉक लिस्ट पे लगाया हुआ है, मेरा फ़ोन भी ब्लैक लिस्ट पे लगाया हुआ है, मेरा भी, और वो जो मेरे साथ में थी मेरी बहन उसके भी पैसे थे, उसका भी फ़ोन। ये टोटल कितने पैसे थे जो आपने सैफगुराया को दिए? ये 15 लाख है, 7.5 मेरा था और 7.5 मेरी बहन है, वो बेवा है, उसका है, वो मुँह बोली बहन है लेकिन मुँह बोलियों से भी बढ़कर है। आपको इस पर पूरा भरोसा था, आपको यकीन था कि ये आपके पैसे ईमानती तौर पर रखेगा? पहले तो इसने शुरू में बड़ा ईमानदारी दिखाई है, देता रहा, तो उसके बाद इसने पैसे ब्लॉक कर दिए, इसने पैसे देने नहीं दिए। अब क्या कह रहा है वो? अब क्या कहता है वो? कुछ भी नहीं, अभी भी यही कह रहा है। अभी कल परसों में मेरी बात हुई थी, उसने यही कहा कि मैं बहावलपुर हूँ, मेरे फलाने की फोतगी हो गई है तो मैं उधर हूँ। कभी कह देता है मुझे ड्रिप लगी हुई है, मैं बीमार हूँ। बस इस तरह की फिल्में चलाई जा रहा है। नाज़रीन, ये वो सादिया शेख है जिसने सारी ज़िंदगी सफ़ेद पोशी में गुजार दी। आप इसकी हालत देख सकते हैं, नीचे से जूती वही है, कपड़े वही हैं, और अपना सब कुछ तबाह करके, बर्बाद करके आज वो उसने अपना कारोबार स्टार्ट किया, स्टॉल लगाया बारबेक्यू का। और आप देख सकते हैं कि जो हालात हैं, आंसू हैं उसकी आंखों में। अब आपका क्या मुतालबा है? मेरा DIG पंजाब से मुतालबा है, क्योंकि मैंने हर जगह भाग दौड़ कर ली है, कहीं नहीं। मैंने थाने में भी किए, उसने मैंने थाने में FIA कराई, उसने बाहर से ना जमानत करा ली है। पुलिस वाले क्या कहते हैं? कोई कुछ नहीं कर रहा, आपका कोई साथ नहीं दे रहा? नहीं, साथ दे रहे हैं लेकिन वो पकड़ा ही नहीं दे रहा, वो पुलिस वालों को भी विलम्ब चलाई जा रहा है। क्या कहता पुलिस वालों को? उनको भी डेट पे डेट दिए जा रहा है कि मैं फलानी तारीख को आऊँगा, मैं फलानी तारीख को आऊँगा। आप जब पुलिस के पास गई हैं, एप्लीकेशन दी, पर्चा भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पुलिस वाले क्या कहते हैं आपको? अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि पकड़ेंगे उसको ना, अब देखें कब पकड़ते हैं। मतलब आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया पंजाबी जुबान में जी? अब वो मेरी DIG पंजाब से गुजारिश है कि हम दोनों को पैसे दिला दें, हमारा तो और सहारा भी, मेरी तो जितना भी मैंने 25 साल की ये मेरी जमा पूंजी है और जो मेरे पैसे ले गया। जी तो नाज़रीन, एक अफसोसनाक ख़बर जो आपके सामने पेश की जा रही है। सैफगुराया नामी जो प्रोड्यूसर था, उसने 15 लाख रुपए का टीका लगाया और अभी तक वो देने को तैयार नहीं है। आपने सादिया शेख की गुफ्तगू सुनी, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निकलवा।